सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का हिंदी कोर्स बी, जो कि है उसका पार्ट एक, कबीर की साखियाँ। आपकी बुक में जो नेम लिखा है वो है साखी, लेकिन ये लिखी किसने है? ये लिखी है कबीर जी ने, तो मैंने यहाँ पे नेम रखा है कबीर की साखियाँ। बुक का नेम भी दिया है पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2। सो इससे आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले कवि का परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले कवि कौन है ये आपको पता होना चाहिए। कवि है इस चैप्टर के कबीर दास। तो इनका जीवन परिचय क्या है कि कबीर दास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक कवि दंतियां प्रचलित हैं। इनका जन्म कब हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, कब हुआ था? 1398 में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने देशांतन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किससे ज्ञान प्राप्त किया? देशांतन और सत्संग से। किताबी ज्ञान में स्थान पर आंखें देखें, सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। मैं कहता हूँ आखन देखी, तो कहता कांगन की लेखी। इनका देहवास कब हुआ, मतलब इनकी मृत्यु का टाइम दिया है, कब हुआ था? 1518 में। कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ। रचनाएं इनकी दीवी है कबीर जी के पदों का संग्रह, मतलब इनके जितने भी पद हैं उन सबका संग्रह किसमें, किस ग्रंथ में? बीजक नामक एक ग्रंथ है, उसमें है, जिसमें साखी, सबद और रमेन आदि संकलित है। जिसमें ये साखी जो चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर और बाकी सारे उसी में ही इंक्लूडेड है। अब जो इन्होंने साहित्य लिखा है उसका परिचय पढ़ते हैं। कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञाना शय शाखा के प्रतिनिधि संत कवि हैं। इनकी पूरी विशेषता बताई गई है, इसमें से आपको अगर कोई लाइन क्रैम करनी है किसी भी आंसर में लिखने के लिए तो आप कर सकते हैं। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कवि धुमक्कड़ थे, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने में हिमायती थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर जी को वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। ये लर्न कर लीजिए इनको, किसने वाणी का डिक्टेटर कहा है, तो आप ले बोलेंगे रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। सो काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं इस चैप्टर में, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से रीड करने हैं, बिकॉज इसमें ना स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होगी आपकी, इसलिए आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो लिख लिख के प्रैक्टिस करने चाहिए।
सब साखी चैप्टर का थोड़ा सा पाठ प्रवेश देखते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही बदला हुआ रूप है। साखी शब्द किसका बदला हुआ रूप है? साक्षी शब्द का। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। तो अगर आपसे साखी मतलब उसका मीनिंग पूछना है, फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? ये वाला पूरे में से आप कोई भी लाइन मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इफ यू वांट। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान का ही महत्व है, शास्त्रीय ज्ञान अर्थात वेद पुराण इत्यादि का नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था, अर्थात कबीर जगह जगह घूम कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। मतलब वो ज्ञान एक जगह से नहीं प्राप्त करते थे, वो जगह जगह घूमते थे और ज्ञान प्राप्त करते रहते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अब फिर आप पूछेंगे कि मतलब उनको इतनी सारी भाषाएं कैसे आती थी, तो क्योंकि वो जगह जगह घूम घूम के ज्ञान प्राप्त करते थे, उनको ना वहाँ की बोली भी आ जाती थी, मतलब वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, इसलिए ही उन्होंने इतनी सारी भाषा में अपनी साखियों को लिखा है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को सुधकड़ी भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनकी भाषा कैसी है, तो आप लिखेंगे उनकी सुधकड़ी भाषा है, मतलब साधुओं की भाषा, मतलब भी लिखा हुआ है यहाँ पे, साधुओं की भाषा भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः एक तरह का दोहा छंद ही है। प्रस्तुत पाठ की साख्या प्रमाण है कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। कि मतलब एक जो गुरु होता है वो ना सत्य को सामने रखकर ही अपने शिष्य को जीवन की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जाती अधिक प्रभावशाली होगी, उतनी ही अधिक याद रहेगी। मतलब ये जितनी शिक्षा जो शिक्षा है जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, उतना ही ज्यादा जो शिष्य है वो उसे याद रख सकेगा। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। पूछा जाए कि मतलब इन साखियों के मदद से जो कबीर है वो क्या किसका महत्व प्रस्तुत करें, तो आप लिखेंगे ईश्वर प्रेम का। तो अब आ जाते हैं हम साखियों पे। साखियों के पहले यहाँ पे ना हमें शॉर्ट शॉर्ट मीनिंग दी गई है कि मतलब हर साखी में उन्होंने क्या कहना चाहा है, फिर हम साखियों पे आएंगे। तो साखियों के मतलब देखते हैं। पहले पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं ताकि दूसरों को सुख और अपने मन को शीतलता प्राप्त हो। सेकेंड, दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिर और तीर्थों में ढूंढने के स्थान पर अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से विपरीत बताया है, अर्थात अहंकार भक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। चौथा साखी में कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है और वे रात भर जागकर अज्ञानी संसार की चिंता व ईश्वर का भजन करते हैं। पांचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को भी हमारे स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन लेने के लिए मनुष्य मुख्य बताते हैं और उसके प्रति भी आदर प्रकट करते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम की
वास्तविकता को जगाने वाले व्यक्तियों को ही पंडित तथा सही अर्थों में विद्वान बताते हैं। अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया रूपी घर का त्याग करना पड़ेगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो देखिए इनकी सारी जो साखियां उनकी सीख दी हुई है। अब हम साखियों की तरफ बढ़ते हैं। कबीर की साखियां, तो पहली साखी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन के सुख होए। तो भावार्थ क्या है कि साखी की इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। कबीर जी ने अपने दोहों में कहा है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वाले का मन भी प्रसन्न हो उठे। मीठा बोलने से प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचन से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा रुचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों के तो प्रसन्न करता ही है और स्वयं को भी सुख की अनुभूति कराता है। आप कुछ कुछ शब्दों के मीनिंग दे रहे हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। वाणी बोली, आपा अहम, खोए मतलब त्याग करना, शीतल मतलब शीतल, और आरन मतलब दूसरों को। तो ये सब है इनके मीनिंग। सेकंड पार्ट है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो यहाँ से आप भावार्थ रीड भी कर सकते हैं, और मैं इसको ना शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो मृग है उसकी नाभि जो है उसमें ना एक बहुत सुगंधित पदार्थ जिसका नाम है कस्तूरी वो होता है, लेकिन वो उसे जगह जगह जंगल में ढूंढता रहता है। ऐसे जो ईश्वर है वो हमारे मन के अंदर वास करते हैं, लेकिन हम उन्हें मंदिर और मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ मीनिंग दे रहे हैं, इसे देख लेते हैं। कुंडली मतलब नाभि, मृग का मतलब हिरण, घटी घटी मतलब कण कण में, कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो नर मतलब मेल हिरण की नाभि में पाया जाता है। इसमें एक प्रकार की विशेष खुशबू होती है, इसे इंग्लिश में डियर मस्क बोलते हैं। इतना सब नहीं लिखना, आपको लिखना एक सुगंधित पदार्थ जो कि हिरण की नाभि में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, मैंने यहाँ पे इसलिए इतना सब कुछ लिखा है ताकि आप अच्छे से इसका मीनिंग समझ जाए। सिक्स देखते हैं, सॉरी थर्ड देखते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। पहले थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मेरे पास भगवान नहीं थे, हरि मतलब भगवान कह सकते हैं हम। अब मेरे पास अहंकार नहीं है इसलिए मेरे पास भगवान है, और अब ना सारा ज्ञान रूपी अंधकार मिट चुका है क्योंकि अब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया है। और बाकी भी इसमें अच्छे से मीनिंग दिया हुआ है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रीड भी नहीं करूँगा क्योंकि ना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, देन ऑफकोर्स यू विल फील वेरी बोर्ड टू सी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को स्टॉप करके खुद रीड कीजिए मीनिंग, लेकिन ऑफकोर्स मैं आपको बताता जाऊँगा सबका। फोर देखते हैं, सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। इसमें क्या है कि इसमें ना कबीर जी बताते हैं कि जो संसार है वो बहुत ज़्यादा सुखी है क्योंकि वो बस खाता रहता है और सोता रहता है, लेकिन यहाँ पे सोने का जो मतलब वो है अज्ञानता से, मतलब वो ज्ञान में पड़ा रहता है और वो सोचता है कि खाना और सोना ही बस हमारा इस जीवन का कर्तव्य है। लेकिन जो लोग जो कबीर दास जी जैसे हैं वो कैसे हैं, वो जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। यहाँ पे जागने का मतलब है कि उनको जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दुनिया की जो दशा है मतलब दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है उन सबको देख के वो दुखी होते हैं और रोते रहते हैं। मीनिंग देख लेते हैं वर्ड्स के। सुखिया मतलब सुखी,
अरु मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे मतलब सोए हुए, दुखिया मतलब दुखी। आगे देखते हैं फिफ्थ वन, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोए, राम वियोग न जीवे जीवे तो बुरा होए। इसका मीनिंग क्या है कि जिसको भी विरह मतलब भगवान की विरह का साम डस लेता है, उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता, और जिसको भी ये वाला वियोग हो जाता है वो जीवित नहीं रहता, वो मर जाता है, और अगर वो जीवित रहता भी है तो वो पागलों के जैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। तो बाकी सारा मीनिंग आप इससे भी पढ़ के देख सकते हैं और इलैबोरेटेड, या फिर अगर आपको एग्जाम में लिखना तो आप ये वाला लिखेंगे तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, या फिर आप अपनी लैंग्वेज भी इसको पढ़ के बना सकते हैं तो वो भी बिल्कुल सही माना जाएगा अगर आपने सही से लिखा तो। अब बिरह मतलब क्या होता है, बिछड़ने का नाम, भुवंगम सांप, और बोला मतलब पागल। सिक्स देखते हैं, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। मतलब क्या है कि जो हमारी निंदा करता है, मतलब जो हमारी अवहेलना करता है, जो हमें बुरा भला कहता है, उसको क्या करो, अपने आंगन में कुटिया बना के उसको वहीं पर ही रख लो, क्योंकि वो क्या करता है, बिना साबुन और पानी के बिना ही हमें वो निर्मल कर देता है, हमारा जो स्वभाव है वो अच्छा कर देता है। कैसे करता है ये, मतलब वो हमारी बुराई करता है, और जब हम वो हमारी बुराई करता है तो हम उस बुराई को सही करने के लिए वो वाला कार्य नहीं करते, या फिर हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो इस तरीके से हम बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं, हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि निंदक को हमें अपने आंगन में ही कुटिया बना के रख लेना चाहिए। शब्द देखते हैं, निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा निकट, आंगन मतलब आंगड़ी मतलब आंगन, साबुन मतलब साबुन, निर्मल मतलब साफ, और सुभाई मतलब स्वभाव। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ वन, पोथी पड़ी पड़ी जग हुआ पंडित भया न कोई, एक ही अक्षर पीफ का पढ़े सुपंडित हुए। मतलब क्या है कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ पढ़ के जो जग है वो मर गया, लेकिन कोई भी सच्चा पंडित नहीं बन पाया, पंडित का मतलब है ज्ञानी नहीं बन पाया, लेकिन जिसने ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़ लिया वही सबसे बड़ा ज्ञानी बन गया। तो इसमें यही बात कही गई है, आप रीड कर सकते हैं। शब्द देखते हैं, पोथी मतलब पुस्तक, या फिर ग्रंथ भी लिख सकते हैं पुस्तक की जगह, मोवा मतलब मरना, भया मतलब बनना, अक्षर मतलब अक्षीर मतलब अक्षर, और पीव मतलब प्रिय। एट्थ देखते हैं, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जी चले हमारे साथी। मतलब क्या है, मैंने अपना खुद ही घर जला लिया, कैसे अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेके। मतलब क्या है कि मतलब जिसको भी भगवान का सच्चा प्रेम प्राप्त करना है, उसे अपने अंदर से मोह माया ये सारे भावनाओं का त्याग करना पड़ेगा। और इसको कवि ने घर से कंपेयर किया है कि मतलब मैंने अपना घर जला दिया और अब उसका घर जलाऊंगा जो कि मेरे साथ चलेगा, मतलब जो जो मोह माया को त्याग करने के लिए तैयार है मैं उसका भी घर जला दूंगा। क्यों, क्योंकि वो मोह माया का त्याग करना चाहता है। यहाँ पे घर का मतलब आप कह सकते हैं मोह माया से कंपेयर किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है शब्दार्थ में कि घन मतलब मोह माया का प्रतीक, जालिया मतलब जलाया, आपना मतलब अपना, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, अज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक सॉरी, जलाओ मतलब जलाऊं तास का उसका जो चले मेरे साथ। इससे शब्द से भी आप अच्छा सा सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं इफ यू वांट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब कबीर की साखियों की सीख, मतलब जो हमें सीख मिली है उसकी हम एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं।
पहले में हमने देखा था कि हमें जीवन में सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए ताकि सबको सुख मिले। सेकंड में ईश्वर को मंदिर और तीर्थों में ढूंढने के स्थान पर अपने मन में ढूंढना चाहिए। थर्ड, ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले अहंकार का त्याग आवश्यक है। फोर्थ, मात्र खाना और सोना सच्चा सुख नहीं है, हमें ईश्वर की आराधना में सुख खोजना चाहिए। फिफ्थ, ईश्वर का वियोग असहनीय है, अगर सहना भी पड़े तो स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। सिक्स्थ, निंदा करने वालों के प्रति भी आदर भाव रखें क्योंकि उसके माध्यम से हमारा स्वभाव निर्मल होता है। ईश्वर प्रेम के वास्तविकता को जानने वाला व्यक्ति ही सही अर्थों में विद्वान होता है। और लास्ट में हमने क्या सीखा कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें मोह माया रूपी घर का त्याग करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी सीखें और चैप्टर होता है अब खत्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग टू टेल यू, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए, इफ यू वांट इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो जो अभी हमने जैसे अभी रीड करा है, तो व्हाट यू कैन डू, अगर मेरे पास मेजॉरिटी में कमेंट्स आ गए कि मतलब डाटा आपको चाहिए, सो मैं उसको अवेलेबल कर दूंगा अपने चैनल पे थ्रू कम्युनिटी टैब या फिर इसी वीडियो में मैं अटैच कर दूंगा। बट इफ मेरे को मेजॉरिटी के कमेंट्स हैं ओनली देन, अदरवाइज यहाँ पे भी आपको सब सारे नोट्स शो हो रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लेटर यूज़ के लिए चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए एंड देन आई विल अटैच इट, मैं अटैच कर दूँगा। सो आई होप सो चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। इफ कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।